नमस्कार, स्वागत है आपका भिलवाड़ा हलचल में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। बढ़ते हैं आज की कई खास खबरों की ओर। छठ पर्व के सुमधुर गीतों के साथ सूबे में महापर्व की छटा बिखर रही है। चार दिवसीय छठ महापर्व के तीसरे दिन छठवर्ती अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ दिया, फिर सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद पारण कर अंजल ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही यह चार दिवसीय महापर्व संपन्न हो जाएगा। इससे पूर्व घरों में प्रसाद तैयार किया गया। पूर्वांचल प्रदेश वासियों के लोक आस्था के महापर्व के अवसर पर मानसरोवर झील के किनारे आयोजित सांस्कृतिक समारोह में दिल्ली से आए हुए भारत सरकार के मनोनीत कलाकार व गायक राजेश पांडे ने प्रस्तुति देकर उपस्थित श्रोताओं का मन मोह लिया। पूर्वांचल के लोगों की धार्मिक आस्था के प्रतीक छठ महापर्व के दो दिवसीय आयोजनों के उपलक्ष्य में LNJ भिलवाड़ा ग्रुप के सहयोग से पूर्वांचल जन चेतना समिति के तत्वाधान में पटेल नगर स्थित मानसरोवर झील प्रांगण में विशाल रंगारंग सांस्कृतिक संध्या आयोजित की गई। करेड़ा कस्बे में विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी और स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में सहयोग से जिले में पहली बार ग्रामीण इलाके में आधुनिक सुविधा युक्त निशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर 3 नवंबर से लगाया जाएगा, जिसका उद्घाटन चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा करेंगे। डेयरी अध्यक्ष रामलाल जाट ने बताया कि कैंप में 3 व 4 नवंबर को मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मरीजों के साथ आने वाले अटेंडेंट के रहने व खाने पीने की व्यवस्था भी विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी की ओर से की जाएगी। करेड़ा स्कूल में ICU वार्ड पर ऑपरेशन थिएटर और ग्राउंड में मरीजों के रहने की व्यवस्था की गई है। शिविर में सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार किया जाएगा। 500 ऑपरेशन का लक्ष्य है। रजिस्ट्रेशन में 6 से 7 हजार मरीजों के आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इस शिविर में चयनित गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों के महंगे ऑपरेशन भी सरकार स्वयंसेवी संगठन के सहयोग से जयपुर व अन्य स्थानों पर कराए जाएंगे। इलाज या ऑपरेशन नहीं मुद्दों में किया जाएगा। और इसके साथ ही जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है, मुख्यमंत्री जी ने जब दवाई शुरू की थी तभी उनके मन में यह सोच थी कि गांव के जो वंचित लोग हैं, पैसे के अभाव में लोगों की मौत हो जाती है, उन लोगों को यकीन आज उस चीज़ को भारत सरकार ने भी माना है। उनके पद चिन्हों में चलते हुए और आयुष्मान जैसी योजनाएं अशोक गहलोत जी की नजरों की भी उन चीज़ों से प्रेरणा लेते हुए विभिन्न संस्था द्वारा उन्हें विधायक होने के हुरडा कस्बे में आम मुस्लिम समाज द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अशरफिया अंजुमन दरगाह कमेटी द्वारा शिविर आयोजित हुआ। भिलवाड़ा MGH की टीम ने 64 यूनिट रक्त संग्रह किया। राजसमंद जिले के आमेट नगर की जय सिंह श्याम गौशाला में लाभ पंचमी के अवसर पर गोभक्त सेवा समिति के तत्वाधान में 7वें वर्ष भी
विशाल गो अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के अंतर्गत गौशाला के श्री कृष्ण मंदिर में भगवान का अभिषेक किया गया। गौशाला के चौक में गोबर का गोवर्धन बनाकर पूजा की गई और भगवान को राजभोग धराया गया। महिलाओं द्वारा संगीत एवं गो भजनों पर आयोजन किया गया व रासलीला भी की गई। लव गार्डन स्थित प्राइवेट बस स्टैंड के पास एक ढाबे की कैबिन में आग लग गई। आग लगने का कारण प्रथम दृष्टा शॉर्ट सर्किट होना माना जा रहा है। सूचना मिलने पर सुभाष नगर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सुभाष नगर थाने के प्रेम सिंह ने बताया कि जांच के बाद आग लगने के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही मिलते हैं आगे की खबरों के साथ। देश प्रदेश और शहर की खबरें सबसे पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भीलवाड़ा हलचल शहर का पहला न्यूज पोर्टल। देश प्रदेश और शहर की खबरें सबसे पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भीलवाड़ा हलचल, साहस सच दिखाने का। अखबार से पहले खबर, सबसे सस्ता विज्ञापन और 5 लाख से ज्यादा पाठक। भीलवाड़ा हलचल, साहस सच दिखाने का। भीलवाड़ा हलचल में एक बार फिर आपका स्वागत है। चार भुजा पदयात्री संघ का एक सदस्य मांडल के गढ़बोर चारभुजा जाने के लिए दौड़ते हुए रवाना हुआ। नितिन मानमिया दौड़ते हुए करीब 125 किमी की दूरी 24 घंटे में तय करेगा। नितिन के साथ दो कार व बाइक पर उसके कुछ साथी चल रहे हैं। नितिन ने दूरभाष पर हलचल को बताया कि उसका लक्ष्य आगामी दिनों में होने वाली ओपन मैराथन में भाग लेना है। अपने मकसद में सफलता के लिए मांडल से गढ़बोर चारभुजा तक दौड़ लगाकर वहां पहुंचने के बाद भगवान चारभुजानाथ का आशीर्वाद लेकर और कड़ी मेहनत शुरू करेंगे। उपनगरपुर चिकित्सालय के पीछे चौबे मोहल्ले में नकुल शर्मा के मकान का छज्जा गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि घटना के वक्त वहां किसी के नहीं होने से हादसा टल गया। अमूमन इस समय यहां मोहल्ले के बच्चे खेलते रहते हैं, लेकिन बच्चे घटनास्थल से थोड़ी दूर स्थित एक बरामदे पर खेल रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी प्रभा रेवाल ने बताया कि जिस वक्त हादसा हुआ वहां शिवम चौबे, मनसा चौबे, आनंद रेवाल, मिहिर चौबे, शिवम त्रिवेदी, सोनू कुमार, अनुराग गहलोत एवं चेष्टा चौबे सहित कई मोहल्ले के बच्चे वहां पर निर्मित चबूतरे पर खेल रहे थे। धापू चौबे ने बताया कि हादसा होने के लगभग 2 घंटे बाद तक पुर थाना पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। थोड़े
थोड़े दूर चले गए, बाकी बड़ा आसा सकता था कोई भी बच्चा, क्योंकि कभी पर्वत नदी खेलते हैं, उसके ऊपर चबूतरे पे भी चढ़ते हैं, तो कुछ भी हो सकता था। बच्चे उनको थोड़ी पता चल रहा है क्या, हम बहुत डरे हुए हैं, हमारे बच्चे अभी इसके नीचे आ सकते। शंभूगढ़ थाना क्षेत्र के राज का देवरिया गांव में बजरंग सिंह राठौर के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घर पर चोरी करने के लिए बदमाशों ने कमरे के पीछे लगी खिड़की की ग्रिल तोड़कर कमरे में प्रवेश किया। वे सिर्फ उसी कमरे को निशाना बनाया जिसमें रखे गए बक्से में कपड़े व अन्य सामान रखे थे। भरत राठौर ने बताया कि बक्से में रखे 10 चद्दर बेडशीट राजपूती पोशाक लेकर गए, जिसमें से कुछ कपड़ों को घर के बाहर ही बिखेर कर चले गए। जब सुबह घटना का पता चला तो बजरंग सिंह राठौर थाने में सूचना दी। घर में बदमाशों ने जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया उस वक्त घर में सदस्य मौजूद थे। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती ढेलाना गांव के पेट्रोल पंप के सामने एक गाय बाइक से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार घायल हो गया। घायल को 108 की मदद से जिला चिकित्सालय भेजा गया। सवाईपुर से भिलवाड़ा की तरफ जा रहे बाइक सवार ढेलाना गांव के पेट्रोल पंप के सामने गाय से टकरा गए, जिसमें बाइक सवार अंतावारा निवासी मुकेश कुमार घायल हो गया, वहीं उनके साथी को हल्की चोटें आई। घर वाले आएंगे, जब आएंगे तब तक तो बहुत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए भिलवाड़ा हलचल। नमस्कार।